आज मैं आपको मिर्ची का अचार बनाना बता रही हूँ, पानी वाला अचार है। तो ये मैंने यहाँ पे 1 पाव जितनी हरी मिर्ची ली है। आपको अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे पानी लिया है, इसको हमें बॉईल करना है। ये मैंने पीने वाला साफ़ पानी लिया है, ये फेंकना नहीं है, इसी में अचार बनेगा। ये देखिए, इसको बॉईल करने के लिए गैस पे रख देते हैं। ये देखिए, हमारा पानी बॉईल होने लग गया है। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। ये देखिए, मिर्ची ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, हमारी मिर्ची बॉईल हो चुकी है। अब गैस को बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए बाहर निकाल लेंगे मिर्ची को। ये देखिए, एकदम से पक चुकी है मिर्ची। ये पानी हमें फेंकना नहीं है क्योंकि इसी में अचार बनेगा। ये देखिए, हरी मिर्ची भी ठंडी हो चुकी है। अब हम इनमें एक कट लगाएंगे। इस तरह से हमें चीरा लगाना है। ये देखिए, इस तरह से पूरा नहीं काटना है, एक एक करके सब मिर्ची में इसी तरह से कट लगाएंगे। ये हमारी मिर्ची में कट पूरे हो चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए, सब मिर्ची हमारी रेडी है। अब हमें ये पानी लेना है, ये भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें राई डालेंगे। यहाँ पे राई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से ये अचार में खट्टापन आएगा, तो हमें राई थोड़ी ज़्यादा ही डालनी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये थोड़ी सी हींग डालेंगे, हींग से इसमें टेस्ट बढ़ जाता है। ये नींबू का रस डाला है। अब अगर मिर्ची तीखी है तो आप लाल मिर्ची मत डालिए, अगर फीकी है मिर्च तो आप इसमें लाल मिर्च डाल के इसका तीखापन बढ़ा सकते हैं। ये नमक डाला है मैंने, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक बार ये पानी को चेक कर लें कि इसमें नमक पूरा है या नहीं। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। अब हम इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे। ये देखिए, मिर्ची, सब मिर्ची डाल दी है। अब इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, अचार बन के हमारा तैयार हो चुका है। कितना सुंदर बन लग रहा है। ये देखिए, इसको 1 दिन की धूप दिखानी ज़रूरी है। आप इसको बना करके डिब्बे में डालकर 1 दिन के लिए इसको धूप में रख दीजिए। ये देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। अचार हमारा रेडी है।